बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक सेकेंड सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किए थे उनको और फर्दर डिफाइन करेंगे और देखेंगे उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो अभी तक जो हमने देखा था कि मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किए थे वो एक ट्रेंगल में डिफाइन किए थे कि अगर ये थीटा है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन थीटा बताया था ए बाई सी। दिस मीन्स जस्ट इसके सामने का साइड, एंगल के सामने का साइड डिवाइडेड बाय सी, कॉस थीटा जस्ट उसके बगल का साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इससे क्या हुआ, और इसके बाद हमने ये दिखाया था कि थीटा अगर 30 हो तो वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा कॉस थीटा की 45 हो, 60 हो, 90 हो, 0 हो। यहाँ तक तो सिचुएशन दिख गई। अब इस मैथमेटिशियंस ने इस फंक्शन को और डेवलप किया कि अगर थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा। 90 तक तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर लिया था कि एकदम ये एकदम से ये यहाँ पे नज़दीक पहुँच जाएगा। अगर थीटा 90 के करीब हो रहा होगा तो एकदम नज़दीक पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए और सी ओवरलैप हो जाएंगे और उसके हिसाब से साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती थी। साइन 90 की वैल्यू हमने बताई थी, ए और सी लगभग ओवरलैप हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो ए बाई सी इक्वल टू लगभग 1 हो जाता है। तो इस तरह साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई थी। अब क्वेश्चन आया कि अगर 90 से बड़ा होके जाओगे तो क्या होगा, उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए कॉन्सेप्ट यूनिट सर्किल को लेकर के बनाया गया, जिससे बाकी सारे साइन के फंक्शंस डिफाइन किए गए। अब ये यूनिट सर्किल क्या है और इसका क्या यूज है, इसको हम देखते हैं। तो सपोज कीजिए हम एक सर्किल बनाते हैं जिसकी जिसकी रेडियस, जिस थोड़ा बड़ा सर्किल बना देते हैं नहीं तो बाद में वो होगा, जिसकी रेडियस, जिसकी रेडियस हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस हम 1 यूनिट लेते हैं, दिस यूनिट सर्किल। अब सपोज कीजिए इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं सेंटर है इसका, इस जगह पे सेंटर है, ठीक है। तो अब इससे हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो करेंगे, ये एक्स एक्सिस कर लिया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है, जिसकी रेडियस, ये जो रेडियस है इसकी वो 1 है, दैट इज द यूनिट सर्किल। ओके, एंड इस सर्किल का अगर इक्वेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो वो भी डिराइव हो ही जाएगा किसी जगह पे। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप इस तरह से लीजिए कि कोई एंगल लीजिए, सपोज कीजिए ये थीटा है, दिस इज थीटा। ओके, तो अगर थीटा है तो रेडियस चूंकि आर थी, तो आप इस ट्रेंगल को देखिए, इस ट्रेंगल को देखिए, ये ट्रेंगल को देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर इस ये जो पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें, सपोज कीजिए एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट अगर हम ले लेते हैं तो कोऑर्डिनेट का क्या होगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, यही होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब अगर आप देखिए कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है,
सामने का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाई अपान वन हो गया क्योंकि रेडियस हमने वन ले रखी है। कॉस थीटा क्या हो गया, ये एक्स अपान वन हो गया। तो बेसिकली जो ये पॉइंट हुआ इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा की कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एंड थाई थीटा लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गए कॉस थीटा। अब इसी हिसाब से ये डिफाइन किया गया कि इस पूरे सर्किल में कहीं पे भी किसी भी एंगल पे अगर आप जाओगे, अभी वो एंगल सपोज कीजिए हम लेते हैं ये वाला एंगल लेते हैं दिस एंगल, तो ये मान लिया कुछ सम अल्फा है, तो इसके लिए भी जो यहां पे कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा जो भी आएगा वैल्यू वो उसका वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा होगा उसका, मतलब वो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। मींस ये कॉस अल्फा होगा, इसको साफ करते हैं तो ये हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। किस तरह डिफाइन किया गया कि जिस तरह से यहां पे जिसको कोऑर्डिनेट है उस एंगल का कॉस थीटा साइन थीटा होता है, इसी तरह अगर कोई अल्फा एंगल ले लोगे तो वो भी कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा। इस तरह से साइन फंक्शन को डेवलप किया गया, तो इससे क्या हुआ कि आप 90 एंगल से जब ऊपर भी गए तो उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, पर उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये क्वेश्चन आता है कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सपोज कीजिए फिर से एक हम दूसरा सर्किल बनाते हैं जिसमें हम आपको उसकी कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब या इसी में कर लेते हैं कुछ वैल्यूज। अगर सपोज कीजिए हम वापस जाते हैं, ठीक है, हम एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि ये थीटा है, इस पे इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन खींच दें, ये दैट मींस दिस इज 90, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये पूरा जो एंगल है ये वाला पूरा एंगल ये 90 प्लस थीटा हो गया, थीटा प्लस 90। अब इसको अगर और समझने के लिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो जानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर यहां पे डालेंगे। अब देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या, ये एंगल क्या हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, ये पूरा एंगल 180 था उसमें से 90 हट गया, थीटा है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो 90। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में, ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल में और ये ब्लू ट्रेंगल में, ये दोनों ट्रेंगल में अगर देखिए तो ये लाइन और ये लाइन तो दोनों एक ही, इसकी दोनों की वैल्यू वन है, ओके। एक लाइन आपकी वैल्यू वन हो गई, एक एंगल बराबर हो गया और ये दूसरा एंगल ये भी बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हो गए, दोनों ट्रेंगल जो है सेम हो गए। तो उस कंपेरिजन से अगर आप देखोगे तो इस थीटा के सामने साइड वाई थी, तो ये भी साइड वाई हो गई, ये लेंथ वाई हो गई, और थीटा के जो बगल में जो लेंथ थी वो एक्स थी, तो ये लेंथ एक्स हो गई, ओके। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, एक्स इज वाई
बट वाई इज माइनस साइड में, तो ये माइनस वाई हो गया, एंड ये क्या हो गया, एक्स हो गया पॉजिटिव साइड में, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये। तो कॉस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन का, साइन का क्या होता है, वाई, वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो ये यहां पे क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा इज एक्स। ओके, एंड एक्स क्या होता है, एक्स आपको पता है, एक्स इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर आ गई। क्लियर हो गया। अब इसी तरह इस एंगल का कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस किससे आता है, जो एक शुरुआत में हमने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉस किससे आता है, एक्स एक्सिस से आता है। यहां पे एक्स एक्सिस में क्या है, माइनस वाई है, दैट इज माइनस वाई, एंड माइनस वाई की वैल्यू इस साइड से क्या थी, माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस अभी दूसरे एंगल भी हम देखेंगे, अगर 90, जहां पे 90 से थीटा में चेंज हो रहा है, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, प्लस ये प्लस माइनस साइन कुछ जुड़ जाता है, यहां प्लस है यहां माइनस है, उसका क्या है वो याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे। बट इतना जान लीजिए कि साइन 90, अगर 90 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, उसके हिसाब से आप टेन भी निकाल सकते हो, टेन का क्या होगा, क्योंकि टेन में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों होता है, तो टेन बेसिकली काट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब वो साइन और कॉस की वैल्यू रख दोगे तो टेन थीटा भी आ जाएगा, फिर उससे आप काट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारे थीटा निकाल सकते हो। बट ये इशू मैंने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा के बारे में। अब जो है, अगर हम इसी उसमें हम ये कर लें कि साइन 180 प्लस थीटा क्या निकालेंगे, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा अगर निकालने की बात हो तो वो कैसे करेंगे, तो साइन 180 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, अभी देखिए ये थीटा था, ठीक है, हमें लगता है ये, इसमें ये वाला पार्ट हम मिटा ही देते हैं, ये मिटा देते हैं तो, और ये लाइन पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया ब्लू। अब क्या है, हम साइन 180 प्लस थीटा निकालना चाह रहे हैं, 180 प्लस थीटा का क्या करेंगे, अभी देखिए ये थीटा हो गया, इसमें 180 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 180, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 प्लस थीटा। ओके, अब इसके, अब इसमें भी हम वही करेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है, इसके लिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला। अब इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में देखिए क्या है, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, क्योंकि आप देखोगे ये साइड इसके बराबर है, ये भी एंगल बराबर है, ये दो एंगल 90-90 हो गए, और ये एंगल थीटा थीटा हो गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल, दोनों ट्रेंगल जो है सेम टाइप के हैं। तो इसका क्या हुआ कि ये इस एंगल के सामने जो वैल्यू है वही वाई यहाँ पे हो जाएगी, दिस इज वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स का माइनस एक्स हो गया, क्योंकि डिस्टेंस माइनस एक्स में है, और इसको नीचे आप माइनस वाई लिख लोगे, इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर इस फॉर्म में लिखे तो दिस इज कॉस 180 प्लस थीटा, ये टोटल एंगल, एंड ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। ओके, अब देख लीजिए, अब इसको हम पुट अप कर देते हैं यहां पे, दैट मींस कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब वो क्या था वो यहां से रख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एंड साइन 180
प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 180 प्लस थीटा करते हो तो कास की वैल्यू कास ही रहती है, साइन की वैल्यू साइन ही रहती है, प्लस एक ये साइन आ जाता है। तो दो चीजें हमने सीखी, अगर हम 90 से ऐड करते हैं तो साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है, और 180 से ऐड करते हैं तो बेसिकली वही रहता है। साइन कैसे चेंज होता है वो आपको कोऑर्डिनेट से आगे, बट इसको हम याद करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे, वो तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं, जिससे ये सारी चीजें आपको फटाफट दिमाग में याद रहे। ओके, अब अगर अब हम क्या करते हैं, फिर से वही बनाते हैं सर्किल। ओके, ये हुआ और इसमें कोई ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बोला जाता है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, वो याद तरीका याद करने का तरीका बता रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने जो डेवलप किया वो क्या डेवलप किया कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, एक कॉन्सेप्ट आता है उससे याद कीजिएगा, ए सी पी एस, ए मीन्स ऑल, इसमें जितने एंगल है उसकी वैल्यू प्लस, सारी प्लस होती है, इसमें जो एंगल है वो कास वाली कास का प्लस रहता है, इसमें 10 प्लस रहता है, इसमें साइन प्लस रहता है, एंड उसके अकॉर्डिंग साइन प्लस रहेगा तो उसका उल्टा कास भी प्लस रहेगा, कास प्लस रहेगा तो साथ भी प्लस रहेगा, 10 प्लस रहेगा तो कॉट भी प्लस रहेगा, उससे आप अदा किए। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, 90 प्लस थीटा मीन्स इस क्वाड्रेंट में आ गए, पर साइन ही है यहाँ पे, साइन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, बट 90 प्लस थीटा वाले में साइन कास बन जाता है, ये साइन की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिख दी यहाँ पे, यहाँ पे अगर जो कोई साइन आना चाहिए था वो तो पॉजिटिव है क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ए सी टी एस एक्स को आप याद रखिए, तो ये इससे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। अब अगर आया कास 90 प्लस थीटा, तो 90 ऐड करने से आपको पता है कि आप फिर इस क्वाड्रेंट में आ गए, पर कास का साइन बन जाता है, तो साइन तो आपने बना ही लिया, साइन थीटा लिख दिया, वाली थिंग। अब यहां पे क्या साइन आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने भी करके भी दिखाया था, बट इस कॉन्सेप्ट से ए सी टी एस से याद रखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस ही साइन पॉजिटिव होता है, तो कास 90 प्लस थीटा का साइन माइनस हो गया, ठीक है। अब ये तो साइन के कास इसी से आप 10 10 90 प्लस थीटा भी निकाल सकते हो, चलो मैं निकाल के दे देता हूँ, 10 90 प्लस थीटा निकालोगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, ये कास डिवाइडेड बाय माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप निकाल सकते हो। अब 180 वाले क्या हो गए, अच्छा ये ही 180 वाले क्या हो गए, साइन 180 प्लस थीटा, जहां पे 180 थीटा में 180 ऐड हो रहा है तो आप यहां से इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में केवल टी 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 का मतलब टेंजेंट ही पॉजिटिव है, तो साइन निगेटिव में यहाँ पे, तो पहले माइनस साइन लिख लो, एंड बाकी साइन का साइन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो मैंने अभी करके आपको दिखाया, ये साइन थीटा ही हो जाएगा। ओके, ये याद करने का तरीका सिंपल बता रहे हैं। फिर अगर कास 180 प्लस थीटा आपने लिखा तो इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में कास भी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया, और 180 जब जुड़ता है थीटा में तो कास का कास ही रहता है, केवल जब 90 जुड़ता है तब कास का साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। इसी तरह से माइनस वाले भी हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जहां 90 से माइनस करोगे तो भी साइन का कास हो जाएगा, साइन का कास तो हो ही जाएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 90 माइनस थीटा मतलब इसी क्वाड्रेंट में, और उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और कास का साइन हो जाएगा,
जहां पे 90+ थीटा है, 90-थीटा दोनों के केस में आप देखोगे तो वही रहता है, सॉरी बदल जाता है, साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। ये 90-थीटा भी अगर आप देखना चाहो तो आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। जैसे ये मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे ये थीटा था, ठीक है, ये 90-थीटा था, और 90-थीटा आप यहाँ पे अगर लोगे तो उसमें भी वही आपको ट्रेंगल ड्रा करने पड़ेंगे। और ये थीटा हो गया, ये 90-थीटा हो गया, वन मिनट, थीटा थीटा ये 90, 90-थीटा कुछ ऐसे होगा, और फिर आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ये उस केस में अगर ये एंगल 90-थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। फिर इसमें ये साइड बराबर है, और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो वो दोनों कॉम्बिनेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर ये एक्स था और ये वाई था तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो ये अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई था तो ये कोऑर्डिनेट वाई एक्स हो जाता है। इसी से बेसिकली कास का साइन, साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। तो साइन 90+ -थीटा दोनों में साइन का कास कास का साइन हो जाता है, और वैल्यूज वो हो जाती है। और साइन क्या होगा वो कोऑर्डिनेट से देख लीजिए, इस कोऑर्डिनेट में, इस वाले कोऑर्डिनेट में सारे प्लस पॉजिटिव होते हैं, इस कोऑर्डिनेट में कास पॉजिटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट में 10 10 पॉजिटिव होता है, 30 से 10, और इस कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। ये बेसिकली ACTS उल्टा याद कर लीजिए, ACTS, इससे आपको वो साइन आ जाएगा। तो अगर इस हिसाब से जाइए तो यही चीज इसमें आप कर लीजिएगा, 180, जो 180 वाला जो फार्मूला होता है उसमें भी वही चीज आती है। अगर ये बोला जाए साइन 180-थीटा, क्या करोगे, 180-थीटा कहाँ जाएगा बेसिकली, सॉरी 180-थीटा होगा, फंस गया कहीं पे, 180-थीटा आएगा क्या, ये 180 है, 180 में कुछ माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि कल साइन पॉजिटिव रहेगा बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और 180 वाले केस में अगर ये 90 होता तो साइन का कास हो जाता, ये 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा, एंड इस उसमें साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ का जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह कास 180-थीटा, जो ये 180-थीटा है इसलिए कास का कास ही रहेगा, एंड यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, इस उसमें साइन ही का अलग एस 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 फॉर साइन, तो कास वाला जो है निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे फार्मूले हो जाएंगे। मल्लिक सिंह साइन, पहले आप वैल्यू रख लीजिए, साइन अगर 90+ -थीटा है तो साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, वैल्यू, एंड यहाँ पे साइन क्या होगा वो क्वाड्रेंट के साथ देख लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, टी सी फॉर कास, इसमें टेंजेंट टी फॉर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसमें एस फॉर साइन पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपके सारे फार्मूले ये हो जाएंगे जिससे आप 90 से आके के एंगल भी पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा पता है तो उससे यहाँ का भी एंगल लग जाएगा, यहाँ पे भी ये 180+ थीटा हो जाएगा। ये इवन इसी तरह से 90 में जो चेंज होता है वैसे ही अगर अगर 90 में अगर चेंज होता है तो 270, 90 के जितने भी, इसको ऐसे ध्यान रखिए कि ये अगर 90 π/2 के रेडियन में लिखो तो ये हो जाता है, तो π/2 ± थीटा में साइन कास हो जाता है, कास साइन हो जाता है। तो वेयर एवर एन इज ऑड नंबर, जैसे साइन साइन 270 - थीटा भी थीटा साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ये π/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 270 आया है, ठीक है, तो ये भी साइन थीटा होगा। बस ये साइन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 270 - थीटा मीन्स ये 270 हो गया, इसमें थीटा, इसका मतलब
इस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, इस कोऑर्डिनेट में खाली टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो और जहां पे ये ऑड हो गया, जहां पे ऑड हो गया, एन ऑड हो गया, सॉरी एन इवन हो गया, अगर एन इवन हो गया तो साइन कास रहता है, कास साइन ही रहता है। ये जनरल फार्मूला हो गया कि अगर साइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है, तो अगर ये एन आर्ड है तो ये तो कास थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन आपको चेक करना पड़ेगा क्या है। अगर एन इवन है तो ये कास थीटा ही रहेगा, नहीं साइन थीटा ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। ओनली थिंग ये साइन फिर आपको देखना पड़ेगा, प्लस है माइनस है वो आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये अच्छा वो साइन इधर वाले पार्ट का आता है, ये जो पूरा एंगल है वो किस कोऑर्डिनेट में फंसा उसके हिसाब से आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो हमें लगता है कि यूनिट सर्किल से थीटा की वो वैल्यू जो पाई बाई टू से ज्यादा थी, 90 से ज्यादा थी, उनको निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ ये फार्मूले अक्सर लिखे होते हैं कि उसको कैसे याद किया जाए ये भी समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके साइन और कॉस के और भी कुछ रिलेशन निकालेंगे। थैंक यू।